नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। गुजरात के हार्दिक पांड्या क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के नियमित मेंबर बन चुके हैं। हरफनमौला की हैसियत से खेलने वाले हार्दिक ने छोटे से इंटरनेशनल करियर में अपनी प्रतिभा से हर किसी को प्रभावित किया है। गेंद को हिट करने की उनकी क्षमता जबरदस्त है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए हार्दिक सुर्खियों में आए और जल्द ही भारतीय टीम में जगह बनाने में सफल भी हुए। हार्दिक आज भारतीय क्रिकेट टीम के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। शो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में गौरव कपूर से चर्चा करते हुए हार्दिक ने कहा कि इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने किस कदर संघर्ष किया है और क्रिकेट ने किस तरह उनकी जिंदगी को बदला है। हार्दिक ने बताया कि एक समय था जब उनका हाथ इतना तंग था कि वो कार की EMI तक नहीं चुका पा रहे थे। हार्दिक ने बताया कि जब बड़े भाई कुणाल 19 साल के थे और मैं 17 साल का था, तो हमने पिता से कहा कि हमें किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप लोगों को अपने बेटों को टीम ने चुनने के लिए कहें। यदि हम खेले तो अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। हम नहीं चाहते थे कि कोई ये कहे कि हमने बच्चों को बनाया क्योंकि हमने इन्हें खेलने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, इस दौरान कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने हमारी सहायता की, उसमें मेरे कोच भी शामिल हैं और मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा, लेकिन आखिरकार मैदान में तो प्रदर्शन आपको ही करना है। हमने मैदान पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। बातचीत के दौरान हार्दिक ने पहचान हासिल करने से पहले परिवार के संघर्ष की कहानी को बताया और इस दौरान उन्हें और उनके भाई कुणाल को बेहद मेहनती होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि लोग नहीं जानते कि हमने 3 साल किस तरह संघर्ष किया। तब हमारे पास पैसे नहीं थे और मुझे अब भी याद है कि सैयद मुश्ताक अली नेशनल T20 टूर्नामेंट जीतने पर कुणाल को 70,000 रुपए मिले, तो मैंने भाई से कहा कि हमारे लिए ये राशि बड़ा सहारा है क्योंकि हम 3 साल से आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे थे। 2 साल तक हमने कार की EMI भी नहीं चुकाई। हम कार को छुपा कर रखते थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कार उठा ली जाए। इन 3 वर्षों में हमने जो भी कमाया वो EMI और खाने का इंतजाम करने के लिए था, कुछ और नहीं। हालांकि IPL में मुंबई इंडियंस के लिए चुने जाने के बाद हार्दिक की जिंदगी ने यू टर्न लिया और उसके बाद लगातार हार्दिक ऊंचाइयां छूते रहे। डेली डायरी की रिपोर्ट।